श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र भवन से नई ताजी तस्वीरें, आज के नए ताजे दर्शन, नई ताजी अपडेट इस वीडियो के माध्यम से आज आपको मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशन, स्वागत है आप सभी का विशनदा व्लॉग्स पर। तो दोस्तों दिन के लगभग 1 बजे दर्शन करके आ चुके हैं हम लोग, तो जय माता दी। जय माता दी। हो गए दर्शन? हो गए दर्शन, बढ़िया सुबह दर्शन। तो दोस्तों आज इन्होंने अलग दर्शन किए थे, मैंने अलग किए थे और टीका लगा लिया है। माता रानी के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। आज है 8वां नवरात्र, महागौरी की पूजा आज की जाती है माता रानी की नवरात्र में। आज 8वां नवरात्र है, कल लास्ट होगा 9वीं। कोशिश करेंगे कल हम लाइव आने की कल सुबह। तो कैसे लगे दर्शन करके, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, आनंद महसूस हो सा दर्शन करने के बाद, माता रानी का अलग ही आनंद आता है। पूरे नवरात्र में कितने दिन किए दर्शन? पूरे नवरात्रि में लगभग डेली किए, एक आध डेली किए होंगे कहीं तो। तो पूरे नवरात्र में डेली दर्शन किए आज तक। तो चलिए जाते हैं और आपको भी दिखाते हैं माता रानी के मनमोहक नज़ारे। तो दोबारा जो पूरी ये डेकोरेशन दोबारा हुआ है इसको फिर से दिखाते हैं, कितना खूबसूरत तरीके से दोबारा डेकोरेशन कर लिया गया है एक बार। तो दोस्तों अभी आप सीधे कर पा रहे हैं नए ताजे दर्शन माता रानी के पवित्र भवन के। आज है 9 तारीख, माता रानी का 8वां नवरात्र है, आज महागौरी की पूजा की जाती है। आप सब लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से। देख सकते हैं आप माता रानी के भवन का नया ताज़ा नज़ारा। आज दिन में लगभग 11-12 बजे के आसपास की नई ताज़ी तस्वीरें हैं और सुबह के टाइम पे आज हल्के बादल थे माता रानी के भवन पे, लेकिन दिन में फिर से धूप खिल गई है एक बार। तो दोस्तों आज की वीडियो में श्री माता वैष्णो देवी जी के पवित्र भवन पर हुई खूबसूरत डेकोरेशन को कुछ अलग तरीके से पेश करने की कोशिश की गई है। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और अंत में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो बात करते हैं कुछ अपडेट की। श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा के लिए बात करें कोविड गाइडलाइन में, तो अभी कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो लोग कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगाकर आ रहे हैं और सर्टिफिकेट साथ में लेकर आ रहे हैं, उनको कोविड टेस्ट करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। जिन लोगों ने सिंगल डोज लगाई है या फिर कोई भी कोविड वैक्सीन नहीं लगाई है, उन लोगों को कोविड टेस्ट करवाने की आवश्यकता पड़ रही है। अगर आप अपने स्टेट से कोविड टेस्ट की रिपोर्ट लेकर आते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप नहीं लेकर आते हैं तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा भी रेलवे स्टेशनों पर, लखनपुर बॉर्डर पर, एयरपोर्ट पर कोविड टेस्ट की सुविधा बिल्कुल निःशुल्क में करवाई गई है। 10 साल से ऊपर के सभी बच्चों को भी कोविड टेस्ट करवाना पड़ता है अगर उन्होंने भी वैक्सीन नहीं लगाई है। तो दोस्तों बात करें यात्रा की, तो श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा बहुत अच्छे तरीके से आजकल चल रही है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। यात्रा ट्रैक पर मिलने वाली सुविधाएं, घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, बैटरी कार, रोपवे, हेलीकॉप्टर, कंबल स्टोर, धर्मशाले, भोजनालय, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चल पा रही हैं, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। आप लोग अगर श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर आने वाले हैं तो आप आ सकते हैं, बहुत ही अच्छा समय चल रहा है माता रानी के दर्शन करने का, क्योंकि इतनी ज़्यादा मात्रा में भी भीड़ आजकल देखने को नहीं मिल रही है और आराम से दर्शन हो पा रहे हैं श्रद्धालुओं के। जैसे जैसे कम भीड़ रहती है माता रानी के भवन पर, तो उसी तरीके से जो सुविधाएँ हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से मिल पाती हैं यात्रियों को। तो दोस्तों बात करें मौसम की, तो इस खूबसूरत त्रिकुट पर्वत पर आजकल दिन भर धूप खिली रहती है और हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रॉपर रूप से मिल पाती हैं सभी यात्रियों को। जैसे ही मौसम साफ होता है, आप सब लोगों को पता है, यात्रियों को हेलीकॉप्टर की सेवाएं मिल पाती हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। आज सुबह हल्के हल्के बादल देखने को मिले थे, लेकिन जैसे ही दिन होता गया और दिन भर धूप खिलते गई, और दिन में काफ़ी तेज़ धूप रहती है माता रानी के भवन पर भी। अगर आजकल आप लोग यात्रा करने वाले हैं तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। माता रानी के भवन पर ना तो ज़्यादा सर्दी रहती है और ना ही ज़्यादा गर्मी रहती है, आजकल बहुत ही अच्छा मौसम रहता है माता रानी के भवन का। आप लोगों की यात्रा आजकल में हो रही है तो आप बिल्कुल नॉर्मल से कपड़े पहनकर आ सकते हैं, ना आपको ज़्यादा सर्दी के कपड़े लाने की आवश्यकता है। और अगर आपके साथ में छोटे छोटे बच्चे यात्रा कर रहे हैं 5-6 महीने के, तो उनके लिए आप एक ड्रेस, गर्म कपड़े ज़रूर लेकर आइएगा, क्योंकि अभी भी माता रानी के भवन पर सुबह शाम में हल्का हल्का ठंडा रहता है। तो दोस्तों अभी आप श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र भवन के खूबसूरत नए ताज़े नज़ारे भी देख पा रहे हैं और साथ में मिल पा रही है आपको नई ताज़ी अपडेट। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह की अपडेट वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके रख लीजिएगा, ताकि आपको अपडेट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, अगर आप श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा आगामी दिनों में करने वाले हैं
और आप शॉर्ट्स नेककर कैफरी पहनकर यात्रा करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा क्लोथ्स रखने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि माता रानी के भवन पर पवित्र गुफा में जाते समय शॉर्ट्स नेककर कैफरी अलाउ नहीं किए जाते हैं। अगर आप आरती में बैठने वाले हैं तब भी आपको नेककर पहनकर शॉर्ट्स पहनकर बिल्कुल भी अलाउड नहीं किया जाता है। आप अगर श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा शॉर्ट्स पहनकर कर रहे हैं तो अपने साथ में एक्स्ट्रा क्लोथ्स जरूर रखिएगा, ताकि आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, आप भवन पर आकर चेंज करने के बाद दर्शनों के लिए जा सकें। आई होप कि आप श्री माता वैष्णो देवी जी के पवित्र भवन पर हुए मनमोहक डेकोरेशन के नए ताज़े नज़ारों का आनंद घर बैठे बैठे बहुत अच्छे तरीके से ले रहे होंगे। अगर आप इससे भी अच्छे तरीके से माता रानी के भवन के इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेना चाहते हैं तो फिर आपको ट्रेन की टिकट बुक करनी पड़ेगी और सीधे पहुँचना पड़ेगा माता रानी के भवन पर, और भवन पर आकर आपको माता रानी का आशीर्वाद भी मिलेगा और माता रानी के इस खूबसूरत भवन के डेकोरेशन के नए ताज़े नज़ारों का आनंद भी मिलने वाला है। तो दोस्तों, कोशिश करेंगे हम कल सुबह 9 बजे अर्धकुंवारी से लाइव आने की, और उसके बाद दिन में 10-10:30 बजे के आसपास में माता रानी के भवन से लाइव होने की, और उसके बाद लास्ट में भैरव से लाइव होंगे। तो कोशिश करेंगे, जैसे ही कन्फर्म हो जाएगा उसके बाद मैं कम्युनिटी गाइडलाइन में ये अनाउंस कर दूंगा। आप सब लोग तैयार रहिएगा माता रानी के भवन के, अर्धकुंवारी के और भैरव बाबा के दर्शन, नए ताज़े दर्शन घर बैठे बैठे करने के लिए। तो आप सब लोग तैयार रहिएगा, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि मैं कल सुबह आपको तीनों जगह से लाइव आकर माता रानी के भवन के नए ताज़े दर्शन करा सकूं, क्योंकि कल लास्ट नवरात्र नवमी है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप सब लोगों को लाइव आकर माता रानी के भवन के दर्शन करा पाऊं। तो दोस्तों, एक बार फिर से माता रानी के भवन पर अलग कलर से डेकोरेट कर दिया गया है पूरे भवन को, और जो पहले का कलर था उसको बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। जैसे जय श्री नाथ पहले कुछ अलग कलर से लिखा था, अभी कुछ अलग कलर से लिखा गया है। तो इसी तरीके से माता रानी के भवन पर नवरात्रि के समय में 2 बार डेकोरेशन होता है, ताकि जो फूल सूख जाते हैं वो दोबारा से उनको हटाकर दोबारा से लगाया जाता है, ताकि आप सब आने वाले भक्तों के लिए माता रानी का भवन उसी तरह से सजा रहे जैसा पहली नवरात्रि में सजा था, उसी तरीके से 9 नवरात्रि तक ये खूबसूरत सजावट रहती है। कुछ लोग कमेंट करके पूछ रहे थे, सर ये सजावट कितने दिन तक चलती है? तो पूरे 9 दिन तक ये सजावट चलती है, और बड़े आराम से बहुत खूबसूरत तरीके से नए ताज़े नज़ारों के आनंद अंत तक सभी श्रद्धालु ले पाते हैं। देख सकते हैं कितनी अच्छी कलाकारी यहाँ पर दिखाई गई है और कितना खूबसूरत लग रहा है माता रानी का ये पूरा भवन। अब हम धीरे धीरे दोस्तों 5 नंबर गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। देख सकते हैं 5 नंबर गेट में भी दोबारा से डेकोरेट इसको कर दिया गया है, मैंने पिछले वीडियो में भी आप सब लोगों को दिखाया था। तो अब आप भगवान शंकर भोलेनाथ का आशीर्वाद एक बार ले लीजिए, इसके बाद हम सीधे चलेंगे माता रानी के पवित्र पिंडियों के पास में। कीजिए माता रानी के नए ताज़े दर्शन, माता रानी आप सब लोगों को हमेशा हमेशा खुश रखे। इसके बाद सीधे चलते हैं हम भैरव बाबा, भैरव बाबा के दर्शनों के बाद हमारी ये यात्रा छोटी सी कंप्लीट होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे एक और नई ताज़ी अपडेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।